श्री शिवाय नमस्तु। 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल में, चार प्रदोष पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में एक कटोरी में उसको रख देना। चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। प्रदोष शिवरात्रि सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2-3-4-5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। सोमवार प्रदोष शिवरात्रि सोमवार की अष्टमी ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है, अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है।